ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਮਾਂ ਕਾਲੀ ਦੇ ਰੂਪ ਚ, ਮਾਤਾ ਮਸਾਣੀ ਦੇ ਰੂਪ ਚ, ਮਾਤਾ ਮਦਾਨਣ ਦੇ ਰੂਪ ਚ ਪੂਜਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਪੂਰੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਦੋ ਮੰਦਰ ਹੈ, ਇੱਕ ਚੇਨਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਵੀ ਜੰਗਲ 'ਚ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਆਪਾਂ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮਨੋਕਾਮਨਾ ਪੂਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹ तो जय माता दी आप सबको। तो काफ़ी दिनों के बाद आज फिर से मैं हाजिर हुआ हूँ। तो अब हैं हम चंडीगढ़ के धनास में। तो यहाँ पे एक प्रसिद्ध माता काली का प्राचीन मंदिर है, तो वहाँ पे माता के दर्शन करते हैं एवं मंदिर के इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। तो चलिए मेरे साथ बने रहिए और आपको मंदिर के इतिहास के बारे में जानकारी देते हैं। जय माता। तो अभी शूज रख दिए हमने, टोकन देख के कड़ा मिल रहा। जय माता दी। मैं राहुल, श्री काली माता मंदिर जंगल वाली सेवा सोसाइटी की सीनियर वाइस प्रेजिडेंट। मैं मंदिर के आया जी 2000 तो पहले ही आया जी, छोटा होंदे मेरे मम्मी पापा सारे सेवा करते थे। उस तो बाद साडे प्रधान जी हैं बलराज शर्मा जो सन 2000 के आए। उस टाइम मंदिर के ना कोई दीवार सी, ना कोई जाली सी, ना कोई छत सी। इत्थे यूनिवर्सिटी नाल लगते पिंड के मद्रासी कलोनी सी। मद्रासी कलोनी दे विच एक प्रिया स्वामी जी भगत सीगे, उन्हां नूं माता का सपना आया, उन्हां दी कुलदेवी है। तो माता ने उन्हां नूं आदेश दिया कि
फलानी जगह जाओ जंगल दे विच उन्होंने कोई चीज़ा ऐसा मिली उन्होंने देख के मूर्ति माता की बनाई। ठीक है जी। और जब प्रधान जी इतने आए हैं उस टाइम ना ही कोई दीवार सी ना कोई जालियाँ ना कोई छत, तद कुत्ते भी अंदर जाते सी, हरेक जानवर अंदर जाता सी, कोई देख रेख वास्ते नहीं सी जी। ठीक है। इतने साढ़े पुराने सब तो पुराने सेवादार और कैशियर कन्हैया लाल जी जिहड़े 3-4 साल पहला गुजर गए, उन्होंने पूरे मंदिर की बागडोर अपने बलराज शर्मा जिहड़े प्रधान जी हैं यूनिवर्सिटी तो रिटायर सुपरटेंडेंट रिटायर ने, उन्होंने फिर ये मंदिर का सारा सिस्टम संभालिया, हौली हौली करके लोगों दी श्रद्धा बढ़िया सब कुछ होया। प्रधान जी ने फिर हौली हौली करके हरेक चीज़ हरेक देवी हरेक देवते का स्थान बनवाया। पूरे इंडिया के सिर्फ 2 मंदिर है, एक चेन्नई के है और एक वह भी जंगल के और ये भी जंगल के। ठीक है जी। आप गल करिए जी वीर जी, ये जी लोकेशन पैंती है कि पैंती है जो किसी ने चंडीगढ़ तो आना हो या होर पासों की तो आना हो जी? अगर तुम मेन पॉइंट 17 बस स्टैंड है, अगर बस स्टैंड को तुम सीधा अपना यूनिवर्सिटी वालू आते हैं तो चिटकारा स्कूल आता सब तो पहला गुरुद्वारा और मंदिर नाल नाल है। ठीक है जी। उस तो अगे सा राइट मोर मुड़ता है जो कि PGI को रस्ता जा रहा है, उस रस्ते जिदा ही तुम एंटर करोगे ना ही लैफ्ट साइड से पटियाला की राव नर्सरी का गेट लगे। ठीक है जी। वो गेट के अंदर आओगे तुम तो थोड़ा जंगल के मंदिर मिले। ठीक है वीर जी। हूँ असं जिदा माता की मूर्ति का विराजमान देख रहे हैं, ये माता विराजमान है इतने, तो वीर जी हूँ तुम दस रहे थे कि जी माता दी हाले असी मैं क्षमा चाहना कि माता दी मूर्ति का पूरा स्वरूप मैं नहीं दिखा सकता, उसके पिछे भी कोई रीजन असी वीर जी को जानने की गल है जी? ये मूर्ति हजे 1.5 महीने पहला बनी है जी। ठीक है। माता दी मूर्ति तैयार करने तो बाद पेंट होया जो कि इसकी प्राण प्रतिष्ठा इस करके नहीं हुई, यदा जी हवन चलने हैं यज्ञ होने ये पंडित आने हैं जी चेन्नई को। ठीक है जी। ये सारे पंडित ने जो कि पूजा करनी है ये 20 और 22 दिन की पूजा होएगी। ठीक है जी। साडा 16 तरीक नू जागरण है जो कि हर साल बड़ी धूमधाम नाल कीता जांदा है। ठीक है जी। पब्लिक बहुत सारी एक्साइटेड होंगी है सिर्फ काली माता मंदिर जागरण के आने लई। ठीक है जी। जो 16 तरीक 16 सितंबर 2023 दिन शनिवार रात को 10 बजे ज्योति प्रचंड है, 7 बजे माता का भंडारा स्टार्ट होना है। ठीक है जी। तो अभी 16 तरीक तो बाद 18 तरीक न पूजा स्टार्ट होएगी। ठीक है जी। करके ही असी ढकी हुई है क्योंकि माता दी अखा हजे खोलिया नहीं है। ठीक है। माता दी अखा पूजा तो बाद ही खुलनी है जी।
किन्ने के लीटर दी होगी, किन्ने के लीटर दी देग है भाई? देग किन्ने लीटर दी है? 10 क्विंटल दी देग च माता दा लंगर पकाया जा रहा है, ते किन्ना के विच कड़ी दा प्रसाद बन रहा है? ठीक है जी, 7000 बंदे दा माल है, घट्टो घट 7000 बंदा अज लंगर छक के जाऊगा। चावल बने 2 क्विंटल, ठीक है जी, ठीक है जी। मतलब कि अज रात दे 12-1 बजे तक माता दी कृपा होगी पूरी पूरी। ठीक है जी, ठीक है जी भाजी, माता लई कड़ा प्रसाद का भोजन तैयार हो रहा। ठीक है जी, हाँ जी गुरु, मैं भवराज कुमार, रिटायर्ड स्टूडेंट फ्रॉम पंजाब यूनिवर्सिटी। 2000 इस मंदिर च आया सी मत्था टेकन, इत्थे कन्हैया जी हुंदे सी, उन्होंने मैनू कहा भी तुसी मंदिर नाल जुड़ो। तो मैं जिसले आया तो मंदिर का कोई चार दीवारी नहीं सी, सिर्फ टीए चार तारा की चार दीवारी, कुत्ते अंदर बैठे थी हड लै लै गए। तो फिर कन्हैया जी ने मैनू कहा, मैं मंदिर नाल जुड़ गया। और उस तो बाद ये जिन्ना भी स्ट्रक्चर बनया ये 2000 तो बाद। ठीक है जी, क्या जी। और हुण मंदिर की ये पोजिशन है कि जिन्हों दियाँ मनोकामना पूरियां होंदियां वो लंगर बुक कराते हैं, असी 18000 का लैने हैं। और जबकि साडा जरा लंगर से खर्चा 30 तक भी पहुँच जाता, वो बाकी का मंदिर बनने लग। ठीक है जी, अज अगर कोई साढ़े को बुकिंग कराता तो उन्होंने असी 24 अक्तूबर की डेट मिल रही है। ठीक है जी, ठीक है जी। बाकी इतने हर संडे लंगर आता। ठीक है, साडा हम जगराता आ। ठीक है, 16 तरीक का ये साडा मेन फंक्शन है इस मंदिर का। ठीक है जी, तो मैं सारे पब्लिक नू भगतां नू बेनती करदा कि 16 तरीक नू इस जगराते जाके जगराते की शोभा बढ़ाओ। पंडित जी, जिदा हुण तुसीं 2000 तो इतिहास के बारे जानकारी दित्ती, जे उस तो पहले का थोड़ा जानकारी मिल सकती है? उस तो पहला जी कलौंजी सी। ठीक है जी, है जी, मैनू नहीं पता ना, मैं देखिया। ठीक है, सानू आवाज आई इत्थे मंदिर है जी। ठीक है जी, इत्थे कच्ची मूर्ति बना ली है। ठीक है जी, उदे बारे मैनू कुछ नहीं पता, ना मेरे को मिलिया। ठीक है, 66 का मंदिर है जी। ठीक है जी, तो ये हूँ वो बंदे अगर मिलते तो मैं उन्होंने पंडित जी ए भी सुनने को मिलता है कि इतने पहले मद्रासी कलोनी होंगी कुछ है हो जाए? नाल मद्रासी कलोनी होंगी जी, वो कलौजी भी मद्रासिया का से। ठीक है जी, ठीक है जी, वो इतने भगत सिंह की डैथ हो गई। मतलब कि वह माता का सेवक सीगा, तो इतने की मतलब कुल देवी है माता मद्रासिया की, तो इस करके उन्होंने स्थापित की काली माता जी, वो अपनी कुल देवी मंगते हैं। ठीक है जी, है मसाना माता भी कहते हैं। ठीक है, मसाना माता भी कहते हैं। तो पंडित जी आप गल करिए इतने माता माँ काली के रूप च, माता मसाणी के रूप च, माता मदानन के रूप च पूजा जाता है। हाँ जी, हाँ जी, देखो जी चीज तो एको ही है, पूजन के ढंग अलग रूप एको ही है जी। हाँ जी, अलग अलग मेन शक्ति एको ही है। ठीक है जी, काली माता। ठीक है जी, तो पंडित जी थोड़ा बहुत बहुत शुक्रिया अज का दिन सानू देने वास्ते, तो आप जी जय माता दी। ओके, थैंक यू। जय माता, जय माता। सो काली माता मंदिर के बिल्कुल बैक साइड पे धनास लेक है, तो वहाँ पे भी हमने कहा कि चलो माता के बढ़िया दर्शन हो गया, पॉजिटिविटी मिल गई है, तो हम आ गए हैं माता के दर्शन करने के बाद धनास लेक में। तो ये भी नियर बाय चंडीगढ़ है, तो अगर आप धनास लेक आते हैं तो काली माता मंदिर ज़रूर आइए, अगर काली माता मंदिर ज़रूर आते हैं तो धनास लेक को विज़िट करना ना भूलिए।